उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक है, जहां पार्टियों में लगातार उठापटक चल रही है, वहीं कहीं बीजेपी से कार्यकर्ता नाराज हैं, कहीं समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता नाराज हैं, कहीं कांग्रेस से नाराज हैं, वहीं आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की जाने मानी लीडर और पुरकाजी विधानसभा से काफ़ी समय से अपनी तैयारी कर रही थी गीता काकरान जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका दर्द वो बयां करना चाहती हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने फ्रेब किया है, जहां प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को सीट देने का वादा किया था, वहीं महिलाओं के साथ में ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ गीता काकरान जी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए गीता जी, आपका स्वागत है हलचल इंडिया में। आपने अभी मेरे को बताया, जानकारी लगी है कि आप काफ़ी लंबे समय से पुरकाजी विधानसभा से जुड़ी हुई थी और टिकट की दावेदारी भी आपकी सबसे प्राथमिकता थी जी, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मैं तो आज कांग्रेस पार्टी के उन प्रभारियों से और जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे यही सवाल कर रही हूँ, यही पूछना चाह रही हूँ कि जो सालों साल महिलाएं पार्टी की सेवा करती रही हैं, पार्टी में मेहनत करती रही हैं, इतना खर्च करती रही हैं और अपने घर को ना देख के, वो अपने बच्चों को ना देख के पार्टी की रात दिन मेहनत करते हुए और उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया, और आज जब टिकट का नंबर आया, जब प्रत्याशी बनने का नंबर आया, तो फिर से उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया गया जो लोग जिनका क्षेत्र में बहुत तकड़ा विरोध है, जो चुनाव कभी जीते ही नहीं। मंत्री हमारे दीपक मंत्री हैं जो पुरकाजी से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, उनका पुरजोर विरोध रहा और पूरा ही विरोध पब्लिक ने उनके लिए जताया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने पता नहीं क्या खूबी देखी, क्या सोचा, क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। अभी 8-10 दिन तक मंत्री जी टिकट में की लाइन में लोकदल की में लगे हुए थे, वहाँ से टिकट मांग रहे थे, उसके बाद क्षेत्र में आकर देखते नहीं, किसी के पब्लिक के दुख सुख में जाते नहीं। पार्टी का पूरा विरोध, उसका मंत्री जी का पूरा विरोध रहा दीपक जी का, उसके बावजूद भी पार्टी ने कौन सी एंगल से, किस नज़रिए से टिकट दिया है ये हमें भी नहीं पता। और ये एक ही सीट पुरकाजी सीट की बात नहीं है, ये अन्य सीटों पर भी अन्य लोगों का भी कहना है कि जो लोग अभी कल ही पार्टी में आ रहे थे उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनमें भी रोष है। जैसे कि बसपा पार्टी से अभी लूटपीट के चरथावल सीट पे वो आए हैं यास्मीन, यास्मीन महिला का हमें बताइए कहाँ काम है? पूरा पार्टी का काम, पूरी महिलाओं का काम ऑनलाइन चल रहा है, तो हमें इस महिला का काम दिखाइए, कहाँ इस महिला ने काम किया है? आप लगभग कितने समय से पार्टी में कार्य कर रही हैं और लगभग पुरकाजी विधानसभा से आपने कब तक कार्य किया है, कार्यकर्ता आपसे जुड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं लगभग पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ और काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हैं, और क्षेत्र के लोग चाहते भी थे कि अब की बार पुरकाजी क्षेत्र पर कोई यदि नया चेहरा आए, और ख़ास तौर से आप महिला हैं, महिला अगर आती है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जी जान से रात दिन सभी लोगों ने मेहनत की पुरकाजी के, चाहे उमियाँ नसीम हो चेयरमैन रहे हैं और चाहे अन्य लोग, बहुत से बेचारे प्रधान भी थे जो लोग आज निराश होकर बैठे हुए हैं कि जी हम कहाँ जाएं, हम आपसे जुड़े हुए थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रियंका गांधी जी का वादा था कि मैं 40% महिलाओं को टिकट दूंगी और 40% 6 सीट मेरे ज़िले में बैठती हैं विधानसभा की, 6 में कम से कम 2 टिकट तो महिलाओं के बैठते थे, लेकिन आज जिस महिला का टिकट हुआ चरथावल पे, वो भी हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी की नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर कौन सी महिलाओं को टिकट दिया गया पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मुजफ्फरनगर पे कौन सी महिला को टिकट दिया जो पार्टी की महिला थी? ये मुझे बड़े दुख का विषय है
और दुख भी हो रहा है, और हम इस बात को ये कहते हुए बहुत ही मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आने वाले समय में अगर यही रहा, इस तरह ही टिकट दिए गए या इस तरह ही प्रत्याशी बनाए गए, तो कांग्रेस पार्टी क्या किसी भी पार्टी को इस तरीके से जो है कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। जो पहले जैसा कहा जाता था कि और पार्टियां जो हैं अपने टिकट बेचती हैं, जैसे अभी जो चरथावल से यास्मीन जिनको टिकट हुआ है कांग्रेस पार्टी से, वो अभी कुछ समय पहले बसपा में शामिल हुए थे, बसपा में थे, फिर उनका सपा में जाने का विचार था लेकिन सपा में उनको एंट्री नहीं मिल पाई। उसके बाद उन्होंने आरोप भी लगाया था बसपा पर कि 65 लाख रुपये जो है मेरे खा चुके जो प्रभारी थे शमसुद्दीन, और उसके बावजूद कांग्रेस ने फिर उनको टिकट दे दिया, वो थाने में रोते रहे, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये मुझे बहुत पहले का पता है, वो 67 लाख रुपए बता रहे थे, 67 लाख रुपए मेरे बसपा पार्टी ने खाए हैं, और वो रोते फिरे क्योंकि वो मीडिया में हैं, उनका काफ़ी प्रचार हुआ इस बात का, लेकिन मैं नहीं मानती कि इतने पैसे उन्होंने दिए होंगे। नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी में भी पैसे देकर के टिकट लाए हैं? मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में भी पैसे देकर के टिकट लाए, ऐसा हो सकता है ना? देखिए, मैं ये बात तो कह नहीं सकती उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये तो ऊपर वाले जाने या जिलाध्यक्ष जाने, मैं नहीं जानती इस बात को कि वहाँ टिकट पैसे दे के दिए गए हैं या किस तरीके से दिए गए हैं, ये तो आम पब्लिक ही जानती है कि इस तरह की हरकतें जो हुई, तो फिर इसका रीज़न क्या है, हमें क्या कमी थी? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब पैसे का भी मामला नहीं था और 40% टिकट भी होने थे, यहाँ 6 विधानसभाएँ हैं, 6 की 6 विधानसभा में सबको टिकट दे दिया गया है, एक महिला को ही क्यों दे दिया गया जो महिला 10 साल से मेहनत कर रही थी? इसमें पार्टी की कमियां हैं या आम आदमी की कमियां हैं या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के हवा में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना तो यही था कि हम पैसे नहीं ले रहे, लेकिन अंदरूनी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि उस महिला में क्या खूबी देखी कि वो उसको टिकट दिया गया। यदि वो बंदा वहाँ पैसे देने के लिए रोया, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ भी खर्च किया होगा, सीधी सी बात है, नहीं तो हमें क्यों नहीं टिकट मिला, हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतनी मेहनत की। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर और मुजफ्फरनगर की 6 की 6 की सीट, जो गीता काकरान जी का कहना है कि 6 की 6 सीट विधानसभाएं हारेंगी, और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए जहां उनको 40% महिलाओं के कोटे की सीट की बात कही थी, वो सब निराधार है, झूठी हैं। हमारे साथ अभी गीता काकरान जी थी, उनसे बातचीत हुई है, कैमरामैन यूसुफ के साथ सूर्यकांत त्यागी।